और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनता दरबार। जी हाँ, जनता की जो समस्याएं हैं वो सुन रहे मुख्यमंत्री। सीएम आवास संत कबीर कुटीर में जनता दरबार लगाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं जनता दरबार के माध्यम से। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़ समेत संबंधित विभागों के अधिकारी भी इस जनता दरबार में मौजूद हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस तरह से लोगों की समस्याएं जान रहे हैं। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री आवास कबीर कुटीर में ये जनता दरबार जो है वो लगाया गया है। जनता की समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि मौके पर ही ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का जो निपटारा है वो यहाँ पर किया जा सके और वही निपटारा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि सीएम ने मौके पर कई समस्याओं का निपटारा यहाँ पर किया है और यही इसका उद्देश्य है। जनता दरबार का सीएम आवास यानी संत कबीर कुटीर में जनता दरबार लगाया है। संत कबीर कुटीर में जनता दरबार लगाया गया है जो मुख्यमंत्री का आवास है, जिसका नाम हाल ही में बदला गया है। और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही साथ समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जारी किए जा रहे हैं। कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार के माध्यम से समस्याएं सुन रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर संत कबीर कुटीर में ये जनता दरबार और जो फरियादी यहाँ पर आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, जो जनता यहाँ पर पहुंची है उनकी समस्याएं यहाँ पर सुनी जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद यहाँ पर मौजूद हैं और समस्याएं जो है वो जनता की सुन रहे हैं और साथ ही उनका निपटान जो है वो समस्याओं का यहाँ पर किया जा रहा है। जन सेवा के तहत जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सरकार कहती आई है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद लोगों की समस्याएं आज सुन रहे हैं और कई समस्याओं का उन्होंने मौके पर समाधान भी किया है। तमाम विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं ताकि समस्याओं का समाधान मौके पर ही तुरंत किया जा सके। बिल्कुल, तो सीएम ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद है और ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं।